तो टीवी सीरियल निर्माता सुहेब इलियासी की सजा का ऐलान हो गया है। सुहेब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दरअसल पत्नी की हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट में ये सजा सुनाई गई है। टीवी सीरियल प्रोड्यूसर सुहेब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने सुहेब को फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन दोषी के वकील ने कहा था कि सजा फांसी की ना हो, उसके बजाय उम्र कैद की सजा दी जाए। उसके पीछे दलीलें ये दी गई थी क्योंकि ये एक बहुचर्चित शो को एंकर करते थे। इसके अलावा सुहेब इलियासी एक बड़ा नाम है, एक चेहरा है टीवी का, उसकी कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। ये फैसला जो आया है 17 साल बाद सजा का ऐलान हुआ है और उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि फांसी की सजा नहीं दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई है। 11 जनवरी 2000 को हत्या हुई थी, 2 लाख का जुर्माना इसके अलावा लगाया गया है। सुहेब पर 2 लाख का जुर्माना और उम्र कैद की सजा। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, सुहेब इलियासी अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में अब उम्र कैद की सजा काटेंगे और ये कड़कड़डूमा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और कुछ ही देर पहले ये ऐलान कर दिया गया है कि अब सुहेब इलियासी उम्र कैद की सजा काटेंगे। पत्नी अंजू सिंह की हत्या के मामले में यह सजा उन्हें मिली है। हम आपको बता दें कि सरकारी वकील का कहना था इन्हें फांसी की सजा दी जाए, लेकिन सुहेब के वकील का कहना था कि फांसी की सजा ना देकर उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए, कम से कम सजा सुहेब को मिले, क्योंकि सुहेब एक चर्चित चेहरा रहे हैं, किसी तरह का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, तो इस चीज का फायदा उन्हें दिया जाए। मयूर विहार फेज 1 से तो सुहेब के घर पर अंजू की हत्या हुई थी। शुरुआत में ये आत्महत्या का मामला लग रहा था और सुहेब ने भी यही कहा था कि आत्महत्या की गई है और कहासुनी हो गई थी। मामूली कहासुनी के चलते गुस्से में आकर उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया जब खुद अंजू की बहन रश्मि ने ये बात सबके सामने लाई कि उसकी बहन उससे कहती थी कि सुहेब अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है, उसे प्रताड़ित करता है, दहेज की मांग करता है, और फिर हत्या का केस जो था वो दर्ज किया गया और आज 17 साल बाद सुहेब इलियासी को फांसी की सजा का ऐलान हो गया है। तो 17 साल बाद उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया है। तो पत्नी की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने सुहेब को फांसी की सजा की मांग की थी, दोषी के वकील ने फांसी की सजा का विरोध किया था और उसी के चलते अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेते हैं। राकेश, तमाम अपडेट। जैसे ही 3:45 पे कोर्ट दोबारा बैठी और अपना फैसला सुनाने के लिए, उन्होंने अपने फैसले में साफ कर दिया कि उसको आजीवन कारावास होगी। पत्नी की हत्या के आरोप में इंडिया मोस्ट वांटेड नामक सीरियल चलाने वाले, आपराधिक सीरियल चलाने वाले सुहेब इलियासी को आजीवन कारावास की कड़कड़डूमा एडिशनल सेशन जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन, यानी कि साफ तौर पर सुहेब इलियासी जो मृतक अंजू है उसके परिवार को 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे, जो सबसे बड़ी बात है, और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, यानी कि कुल मिला के 12 लाख रुपए। लेकिन 10 लाख रुपए अंजू के परिवार को सुहेब इलियासी बतौर क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन के रूप में देंगे, 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो हो सकता है कोर्ट बाद में फिर जो उनकी सजा है वो बढ़ाए, लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो डिफेंस की आर्गुमेंट की जिरा थी उसको एक सिरे से जो एडिशनल सेशन जज है उन्होंने एक सिरे से नकार दिया है और साफ तौर पे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति देनी होगी जो सुहेब इलियासी है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो अब उनको जो सजा होती है आजीवन कारावास की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में कहा है कि जो आजीवन कारावास की सजा होती है वो ताउम्र होती है। अब उनके पास जो रास्ता बचता है तमन्ना, वो कि वो हायर जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट में वो अपील
कर सकते हैं, उनके लिए जो कानून का दरवाजा है वो खुला है, लेकिन जो डिफेंस की दलील थी उसको एक सिरे से कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और जो उनकी मांग थी कि कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि जो भी केस है, जो भी सबूत है, वो सर्कुमटेंशियल एविडेंसेज हैं, यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य पे आधारित है। जाहिर तौर पे अब उसको जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है वो सुहेब इलियासी उसको भुगतेगा, लेकिन उसके पास कानून का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, वो इससे बड़ी अदालत में अपील कर सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हुए।